John Williams. Leila! Leila! हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सस्री अकाल केम छो राम राम कैसे हैं आप लोग। आज है संडे और शाम का समय हो रहा है, शाम के 6 बज रहे हैं। भूख लग रही थी तो सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए। शिवानी एडिटिंग कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो मैंने सोचा जब तक शिवानी एडिटिंग कर ले, पेट का सवाल है, तो ना कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना पास्ता बनाया जाए। कल मैं पास्ता लेके आया था तो चीज़ पास्ता बनाएंगे। तो ये है मैगी का पास्ता मसाला और ये इसमें डालूंगा स्मिथ एंड जोन्स का पास्ता मसाला है। तीन पैकेट इनफ हो गए हम लोग के लिए, दो जनों के लिए तीन पैकेट इनफ। शिवानी ने अपने लिए दाल चावल रखा है, उसको दाल चावल कराना है तो वही गर्म कर रहा था। संडे है यार, संडे के दिन दाल चावल कौन खाता है। मुझे तो पसंद है ना, देखिए आगे बोल रही पास्ता मुझे पसंद नहीं है, तुम पास्ता खा रहे हो। ये वैसे कुछ ज्यादा ही नहीं है मेरे लिए भी। क्या ये दाल चावल? उसके बाद हम जो इस पास्ता में मसाले आते हैं पहले उसको डालेंगे। तीन पास्ता के तीन मसाले डालेंगे, उसके बाद हम ये पास्ता मसाला जो वो डालेंगे। पास्ता मसाला है जो जो पैकेट्स में आते हैं, पहले ये डाल दे रहा हूँ मैं। लेकिन फिलहाल मेरे को ये लग रहा है शिवानी को ज़्यादा खाएगी नहीं, नीले ज़्यादा ना हो जाए तीन पैकेट, मतलब खोल लिए हैं तो बना लिए जाए। ये हमने डाल दिया स्मिथ एंड जोन्स का पास्ता मसाला। जब तक मैं ये दाल चावल गर्म हो रही इनको मिक्स कर देता हूँ। यार ये दाल तो सूखने के लिए तैयार नहीं, कुछ ज्यादा ठंडी है क्या? भिंडी तो डाल दी मैंने। क्या हुआ? ये सूखे हुए हैं। हाँ? कोई ना सूखे खा लेंगे, पर थोड़ा सा दे दो ना प्लेट में, बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा निकाल के ले दो बस। देखिए मेरे बाल अभी धुले हैं तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहती। ये लो थोड़ा सा खाओगे। ये मेरे को मिल गया थोड़ा सा खाना, मैं खाना खा के आती हूँ और आपको कुछ। चम्मच ले लो वहां से। पानी ज्यादा डाल दिया क्या मैंने? ढाई। लगता है मैंने पानी ज्यादा डाल दिया इसमें, चावल कैसे बनेगा भी? क्योंकि पानी ज्यादा हो गया तो इसको बहुत देर पकाना पड़ेगा, इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद देखेंगे बाद में क्या होता है। 80% हो गया है रेडी, इसमें अब चीज़ डालना बाकी है बस, तो चीज़ डाल देता हूँ इसमें और उसको 100% कंप्लीट करता हूँ चीज़ डाल के। तो ये रहा हमारा अमूल का चीज़। छोटे से बोल में चाहिए, ज्यादा बड़े बोल में नहीं चाहिए। एक चढ़िया हो क्या? एक चम्मच चाहिए पास्ता धोवे। बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, डिलीशियस लग रहा है। देखिए आप लोग बस अब जल्दी से जाके और खाया जाए इसे। हॉल में आराम फरमाया जा रहा है। आज पति देव काम कर रहे हैं तो पत्नी जी हॉल में आराम फरमा रही है, आराम से सोफे पे लेट गई। हाँ एक दिक्कत हो गई है कि इनके पैर की नस चढ़ जाती है रोज क्या उनको, पेट का वेट पैर पे तो नहीं आ रहा है ज्यादा। ये जो है ना ये वाली एक लेफ्ट
और इनर थाई। दिन में 5-6 बार, और मैं इसी कारण से ना जो सीढ़ियां हैं वो नहीं चढ़ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सीढ़ी चढ़ती तो मेरी नस चढ़ जाती है, अगर मैं थोड़ा बहुत भी बैठने की कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल तो मेरी नस चढ़ जा रही है, मेरी नस को पता नहीं क्या हो गया। पहले मैंने कहा था मैं 2 चम्मच ही खाऊं, दो ही चम्मच तो है, देखो फोल्डर भी हो गया। नहीं मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। मैंने दाल चावल खा लिए थे, मैं इतनी अजीब ढंग से बैठी ना, और यहाँ क्या पड़ा है मुझे तो ये भी नहीं पता है। अरे चेयर के नीचे क्या पड़ा है? चेयर के नीचे? हाँ कौन सी चेयर के नीचे? ये वही चेयर के नीचे, मुझे कुछ दिख रहा है व्हाइट व्हाइट। आज मैंने तो क्या पूरे दिन आराम किया है, आज मैंने कहा, मैंने बोला कि मैं नहीं करती ब्लॉग ब्लॉग, ठीक है तो मैं भी आराम करती। एक्चुअली मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मेरी सारी कंपनीज का जो काम था वो मैंने खत्म कर दिया, मैं फ्री हूँ अभी। मैंने बोला अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, और मैं मई में ज्यादा काम वाम भी मतलब लूंगी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मैं बना रहा हूँ जाके पास्ता, तुम्हें खाना है? मैंने बोला बना देना थोड़ा सा। और फिर मुझे बहुत जोर से भूख लग गई, तो दाल चावल रखे हुए थे, भिंडी की सब्जी रखी हुई थी। तो घर में खाना हम लोग आजकल ऐसा है कि बना के रखते हैं, एंड आई एम लुकिंग वेरी बैड, मुझे पता है मैं लेट के ब्लॉग करना पसंद नहीं करती हूँ, बट मन ही नहीं हो रहा मेरे तो पूरी नस यार, इस नस का क्या करूं मैं, एक ही पैर है, और वो भी यहाँ इतनी बुरी नस चढ़ी जाती हुई कि मैं पता है वो नस चढ़ती है मैं खड़ी हुई मैं गिर जाऊंगी खड़ी खड़ी। ये क्या है इसके नीचे बताओ? अरे कुछ नहीं, ऐसी पॉलिथीन है। पॉलिथीन है, मुझे बर्फ खाने का मन कर रहा है, मेरा मन करता है कि मुझे कोई एक कटोरी में बर्फ दे दे और मैं बर्फ खा लूं। उठ रहे काफी के लेट में ना, अपने को मन नहीं हो रहा। बुलडोजर ना बुला, जेसीबी ना बुलाना पड़े आपको उठाने के लिए, हैं? जेसीबी बड़े बेकार है। आज तो कोई काम ही नहीं किया, मजा ही टेस्ट करके बताइए कैसे बनाए आपके पति जी ने। मैं नहीं खाऊंगी कल। क्यों नहीं खाओगी? इतना खाओ तो जितना खाते बने। अच्छा किया मैंने 2 चीज डाले, बोला था 3 चीज डाले था, खिचड़ी बन जाता था वो। क्या बात है, मजा ही आ गया। मुझे बर्फ खानी है। ये क्या है मेरे लिए? पास्ता को प्लास्टिक? ओ शिट, प्लास्टिक वाले पास्ता? मुझे पता है पास्ता, मैगी, पिज्जा तो फिर भी खा लेती हूँ मैं, बर्गर, मुझे ना ऐसे खाने पसंद ही नहीं। मुझे दाल चावल सब्जी रोटी बहुत पसंद है, या गोलगप्पे मैंने बनाए या चाट। मुझे बर्फ खानी है नहीं, मैं तो खाऊंगी। पता मुझे बर्फ बड़ी अच्छी लगती खाने। आज मैंने बर्फ उस दिन पारो लाई थी है ना, तब भी खा रही थी दिसंबर में, तब आप लोगों को नहीं पता था, तब मैं ना बर्फ लोगों को समझ नहीं आया क्यों खा रही है इतना बर्फ। मुझे तो पता था कि मैं हाँ, पर ये मतलब वो था, मुझे क्रेविंग होती है बर्फ की, मैं बर्फ खाऊंगी। मजा आ गया। अकेले अकेले पी लूंगी मैं बर्फ। बर्फ अजीब सी शांति मिलती है बर्फ खाने में, ऐसा लगता है सबसे टेस्टी खाना बर्फ है। ये तो अच्छा कहते मैगी के मसाले तो पास्ता मसाले होंगे पर परफेक्ट है ना। कौन बा? कौन हल्ला कर रहा बा? ना खबे पेट भर गया यार, इतना सारा बनाया कि मैं राजा से कह रही 2 पैकेट बना लो बस, क्योंकि मुझे दाल चावल खाने हैं। तो दाल चावल उसके बाद हमने गर्म करवाए जब मैं पास्ता डाल चुका था। सारी नहीं, तुमने नहीं डाला था, कैमरे में सबूत होगा है। बॉयल हो रहा था क्या बोलता था? मैंने आई थिंक जब तुम्हारी खाली कढ़ाई रखी थी तभी मैंने गर्म करने रख दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ
या तो भाई बाल्टी हो रही है, तो भाई कढ़ाई में ना पाई नाम की एक भी चीज नहीं थी। चीटिंग जो तुमने वाइज वाइज चीटिंग बड़ी चीटिंग चल रही है। मैंने येलो कलर की बनियान पहनी अपनी, तो इनने भी येलो कलर का टॉप पहन लिया। जी नहीं सबूत, पता है इस ब्लॉग में इतने सबूत है ना, जैसे वो दाल चावल वाला की कढ़ाई नहीं चढ़ी थी। जब मैं यहाँ पे लेटी हुई थी ना, तुम जो पास्ता लाए थे उसे तुमने व्हाइट पहनी थी, ओके, और फिर तुमने बोला आप मुझे येलो पहनिए, तुम चीटिंग कर रहे हो, लड़ रहे हो भैया तुम किसको? तो आज क्योंकि खाना पीना हुआ पड़ा है, मैं सिर्फ दो चार आलू उबालूंगी और सैंडविच बना लूंगी अगर भूख लगी तो। आज कुछ नहीं, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, कि खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसे छुटपुट बना लेंगे। तो क्योंकि मैं फ्री हूँ और राजा ने ला के रखे हुए हैं बिस्किट, तो थैंक यू राजा, बताओ नहीं। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक विथ आइसिंग। तो फर्स्ट टाइम मैं प्रॉपर केक बना रही हूँ। ये जो है ना, ये 2017 में लिया हुआ सामान है, तो ये लिया नहीं था मैंने, सच बता दी कंपनी ने भेजा था मुझे, और उसके बाद नहीं, वो कंपनी कहाँ गायब हुई, ना मैंने कोई रिव्यू किया इसका, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैंने भी इसे छोड़ दिया। ऐसा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इसे यूज कर रही हूँ इतने सालों में, और इसके एक अटैचमेंट गुम भी गई है। इसके अंदर भी एक मशीन थी जिसमें कुछ प्लग था, आई थिंक ये ना आटा गूंदने के लिए भी थी, पर मैंने यूज ही नहीं करी, और वो वाली पता नहीं कहाँ गायब है, स्टोर में ढूंढनी पड़ेगी। और ये जो है मेरे को निकाल लिया, इसमें ये अलग वाली अटैचमेंट लगी है, और ये फिर एक बीटर ही है। तो सबसे पहले आइसिंग की तैयारी, मेरे को लग रहा था कि उसके लिए मैं शुगर पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ कुछ और ही पीसना पड़ेगा, मतलब डन। तो ये बिस्किट जो है पिस गए, और ये क्योंकि ऑलरेडी मीठा है तो इसमें मैं एक चम्मच ही चीनी डालूंगी, और इसे हम घोलेंगे मिल्क में, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, अगर आप एग यूज करते हैं केक में तो कर सकते हैं। तो इस पे ना मैंने थोड़ा सा ऑयल प्लस घी मिक्स हो गया, बटर पेपर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ी सी मैदा डस्ट कर ली थी सोच रही हूँ। मैंने पता है मेरा चिपकता नहीं है कभी भी केक, उस दिन आई थिंक मैंने ठंडा नहीं किया था तो चिपक गया था, पर नहीं डाल दिया मैदा ठीक से। मैंने काफी हेल्प करके निकाल दिया है, मतलब कर दिया। अब हमारा जो कुकर है वो भी हो गया है गरम, और अब हम उसे चढ़ा रहे, जस्ट होपफुली अच्छा बने यार, इसमें फर्स्ट टाइम ट्राई कर लिया, और ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया। तो इसे मैं कर रही हूँ सॉटे पे, एंड इसे करना है स्ट्रॉन्ग पे, बस अभी 40 मिनट्स के लिए होगा बेक। 40 मिनट्स? यहाँ से जो प्रेशर बटन है वो मैंने रिलीज कर दिया है ताकि स्टीम ना बने इसमें, और यहाँ से वो पास भी होता रहे और ये बेक भी होता रहे। Thank you.
काफी मॉइस्ट है अभी ये, मैंने ना अंदर फूक डाल के देख लिया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, बन गई ना, बन गई ना, फिर मैंने डाल के देखा, मेरे को लगा है बन चुका है वो, ऊपर से मॉइस्ट दिख रहा है वो। ये देखिए बन गया, कॉर्नर तो छोड़ दिया यार, लालच आ रहा है, देखो करके निकाल के। ठंडा करने रखेंगे, क्रीम थोड़ा ठंडी हो जाए, मैं क्या होता ठंडी क्रीम में जो आइसिंग होती है ना, मतलब क्रीम वो बहुत अच्छी होती है, तो उसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ये हो गया है हमारा केक डन, अच्छे से नहीं लग पाया क्योंकि वो नहीं है घुमाने वाला, ये टूटा था मैंने थोड़ा थोड़ा सा, तो अब मैं इसे लेके जा रही हूँ, थोड़ी देर से फ्रिज में रखते हैं ताकि सेटल हो जाए, ले जाइए अगर आपने जगह छोड़ी होगी फ्रिज पे। तो देखिए घर के महाराज दी महाराज, बोझो द पग बैठ के आराम फरमा रहे हैं, अरे कूदा कूदा भैया, कांच में लग जाएगी वो सारी, ना मारो, बैठे रहो शांति से, बैठे रहो, क्यों कूद रहे हो, लग जाएगी यहाँ पे, बैठे रहो, चलो बैठे रहो। घर में कमरे में पड़े रहो मैं आजकल बहुत आराम करती हूँ, काम तो ऐसा है कि करती रहती है, तो यार पता है कहाँ जाने का मन कर रहा है मुझे, मेरे घर के चार घर छोड़ के एक नर्सरी है, पर देखिए मेरे वो जो बेचारे बच्चे हैं, बच्चे मेरे को लगा था मैं घर थोड़ा सा जाके सजाऊंगी और बच्चे। कोई पेड़ दे दो यार, कोई से पेड़ दे दो मुझे, कोई पेड़ पास कर दो, एक भी पेड़ नहीं है मेरे पास, मतलब पौधा नहीं है, तो मुझे पौधे लगाने थे, तो सोच रही छोटे छोटे से अच्छे पौधे लगाऊंगी, करी पत्ता लगाया था मैंने तो वो नीचे यार, मैं करी पत्ता तक नहीं तोड़ पा रही, मेरी आंखें अगर आप लोगों को लग रहा है सूजी हुई है तो सूजी हुई है। कुछ अच्छे अच्छे से मैं सोच रही थी, कुछ फ्लावर लाइक समथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ लेके आएंगे, बोलो बोलो चलो चलो, ये रात में चल के ले आएंगे, रात में चल के उन लोग सो जाते 12 बजे चुरा लाएंगे जो उनसे चाहिए होंगे। देखो भी खाने का ठेले से खरीदने का मजा नहीं है, भी जो चोरी भी का पेड़ थोड़े ले, अरे बता रहा हूँ भी जो चोरी करके खाने का मजा है, तोड़ के ना पेड़ से उसका मजा, मतलब आनंद तो दुनिया में
और कोई चीज में है नहीं। अरे हमारी पता है नजर एक जगह पे, अब वो नजर कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ। नजर है टेढ़ी, वैसे दिखाती हूँ हम लोग की दो तीन दिन से नजर है। हम सोच रहे थे कि जाके हम लोग हिला के ना उससे निकाल लेते हैं, फिर राजा बोल रहे थे निकाल लेते क्योंकि वहाँ पे ना वो किराएदार रहते हैं, तो राजा बोला उनका थोड़े ना पेड़ ठीक है। तो मैंने बोला जिसका घर है जो उसका रेंट पे कर रहा है उसका पेड़ से लेके एक छोटा सा पौधा भी उसी का है, दिखाती हूँ। देखिए वहाँ पे एक घर ठीक है, हम लोग बहुत टाइम से नजर है उस घर पे, उस घर में एक बहुत ही अच्छा खजाना। ये हुआ फोकस, अब देखिए क्या है वहाँ पे, वहाँ पे लटक रहे हैं कच्ची कैरी। और देखिए क्या लटक रहा है ठीक है, ये लोग नहीं तोड़ रहे हैं ओके, क्योंकि लटकी हुई है। अब इसी को चुराने के चक्कर में हम लोग आज रात को पेड़ हिलाएंगे और कैरियाँ चुराएंगे। ये कुछ ना कुछ देखो यार लॉकडाउन के टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे काम, डंडे पड़ नहीं रहे हैं कहीं और ही से डंडे खा लेते हैं। देखिए पता है एक चीज़ बताती हूँ, एक चीज़ होती है अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना टाइम हो गया है मेरी प्रेगनेंसी को, मेरे को कभी भी कच्ची कैरी खाने का मन नहीं किया, ये कच्ची कैरी खाने का मन कर रहा है, ये कभी इमली खाने का मन नहीं हुआ, ये नहीं करता है। अरे तो एक कैरी को कैरी खाने का मन कहाँ से करेगा ये तो बताओ। मैं कैरी हूँ। तुम जो चेरी मैं हूँ टॉम, टॉम एंड जेरी खाएंगे मिलके कैरी। कल चलेंगे है ना, मतलब आज ही चलेंगे, आज पहले हम पेड़ छुड़ाएंगे। पता मैं नहीं बोलूँ क्या है ना, राजा को भरोसा नहीं, बोले चलो मस्ती करने चलते हैं। आपको मस्ती करेंगे कैरी चुराएंगे आज, फिर मम्मी पापा भी नीचे से पड़ेगी। चुरा के अमरूद चुरा के खाने का मजा होता है, किसी घर में जाओ आप मतलब ऐसे बाहर लटका सोचते एक अमरूद भी तोड़ के खा लिया ना आपने तो आपका जीवन सफल हो गया। जीवन आपको बोल रहा होगा कि मैं कितनी गलत शिक्षा दे रही हूँ, ये पता थोड़ा सा मजा आता है, मतलब खरीद के खाने का मजा नहीं आता है, वो एट अ टाइम जब तोड़ के खाते हैं ना, हम लोग छोटे छोटे अमरूद के बच्चे भी तोड़ के खाते थे, बड़ा मजा आता था उसे खाने में। बेचारे शायद तुम्हें दया नहीं आती थी इनपे, बेचारे बड़े नहीं पाए छोटे ही में तोड़ लिए, तुम तब दर्द देता होगा ना सोचो। हाँ वैसे तो फिर सब्जी वब्जी मत खाओ बड़े हो या छोटा। और तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो भैया, एक नॉन वेजिटेरियन ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ अभी छूटा हुआ वैसे, 9 तारीख से हो गया ना अभी, 9 से एक महीना हो जाएगा, एक महीना हो गया। एक्चुअली पता है राजा ऐसे हैं कि इतने अडिक्टेड नहीं है नॉन वेजिटेरियन। यार पता बड़ा अजीब सा ब्लॉग बन रहा है अभी, तो यार कॉपरेट करिएगा क्योंकि हम लोग बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो हमें डंडे ही पड़ेंगे और गालियाँ भी पड़ेगी आप लोगों से और राजा से अलग। तो चलिए अभी जो भी है ऐसा ही है, मीठा बना लिया था, कुछ अच्छा अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं। राजा ने खाना भी बनाने की कोशिश करी, थोड़ी चोरी की प्लानिंग भी चल रही है, तो बहुत सी चीजें देखते चुरा पाते हैं या चुरा पाते हैं। हाँ अब क्या बोलते हैं क्या राजा शिवानी अमरूद, सॉरी अमरूद नहीं, क्या राजा शिवानी पौधे और आम चुरा पाएंगे, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। मैं सुनती नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।